मैं उठ के जैसे खड़ी हुई पीछे देखा, फिर मैंने सोचा मेरा बेटा, तो फिर मैं बेटे को ढूंढना शुरू हो गई। मैं यकीन माने मेरी हालत बुरी हो गई। और अगर सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। और यहाँ देने लगी हूँ एक बैड न्यूज़, पर उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि वो बैड न्यूज़ नहीं है, वो बहुत बहुत खुशी की बात है। तो कल हम लोग गए थे कहीं और रास्ते में हो गया हमारा एक्सीडेंट। क्या हो गया था जेडी? एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरे तरीके से। एक गाड़ी आगे से गुजरी, उसने जो हमारे साथ चल रही थी कार उसको कट दिया। तो उस कार वाले ने बेचारे ने अपने आप को सेव करने के चक्करों में हमारे साथ जो एक बाइक थी वो उस कार के आगे आ गई, फिर उस बाइक के साथ हम लोग जाके टकरा गए और दो बाइकें एक दूसरे के ऊपर हो गईं। तो ऐसे हम लोग गिरे और मैं उठ के पीछे देखना शुरू हो गई कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। सब रुक चुके थे, सब कुछ थम चुका था, दुनिया बाहर आ गई एकदम से गाड़ियों से। अच्छा लगा कि लोगों ने एकदम से सपोर्ट की, लेकिन जो मार के गया गाड़ी वो जा चुका था। अब हुआ ये कि मैं उठ के जैसे खड़ी हुई पीछे देखा, फिर मैंने सोचा मेरा बेटा, तो फिर मैं बेटे को ढूंढना शुरू हो गई। मैं यकीन माने मेरी हालत बुरी हो गई। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे घर में दो दो बैग्स हैं बेबी कैरी करने वाले, लेकिन इसके डैडा को नहीं पसंद। तो जेडन के टाइम पे भी हमने शौकिया ले लिया तो नहीं पहनाया। उस वक्त तो खैर बाइक पे भी सफ़र नहीं था होता, थाईलैंड में तो इस तरह का कुछ नहीं था। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि दो बैग्स हैं, हमने कभी नहीं पहनाया क्योंकि राजा को मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। लेकिन वाकई कल जब ये एकदम से गिरा और मिला नहीं ना, तो मेरी तो जान निकल गई। आप यकीन माने मेरा बेटा मिलने की तरह मैं बहुत एकदम से ना, और वो जो अंकल गिरे हुए थे ना, वो ये उसके उनके पेट के ऊपर जाके गिर पड़ा। थैंक गॉड कि सेफ था। इस बात के लिए खुश नहीं हूँ कि अंकल के ऊपर मैं, लेकिन ये भी खुदावंद का प्लान होता है, इसी तरह सेव होना था। चले तो मैंने कहा कि मैं सबको बता दूँ, आज की कोई वीडियो इस तरह खास नहीं हुई। मैं गई तो थी कहीं और मैंने सोचा था, अबू लोग के यहाँ गई थी तो मैंने सोचा था कि चलो व्यू चैलेंज हो जाएगा या कुछ भी, क्योंकि मैं मेरे बहन भाइयों के साथ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो कल हुआ तो सब कुछ है, लेकिन बहुत सारा काम था मेरी सिस्टर का, तो उसके साथ मैं कुछ उसकी असाइनमेंट्स वगैरह थे वो कंप्लीट करवा रही थी। और आज जो जेडन कह रही है सबके साथ शेयर करने को वो ये, और थैंक गॉड ये कि हम चारों में से, मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम चारों में से किसी एक को भी चोट लगी, चोट नहीं लगी, थैंक गॉड। हमें ज़रा सी चोट नहीं लगी, बस ये रोई बहुत थी क्योंकि बच्चों के लिए ही शौक था एकदम से, और जेबी भी बहुत रोया, लेकिन चोट हमें किसी को नहीं लगी। और बहुत खुश थे हम लोग कि थैंक गॉड कि हम लोग बिल्कुल महफूज हैं। तो कैरी बैग का जो कह रही थी कि अगर आप लोगों का बच्चा कोई छोटा है तो प्लीज़ कैरी किया करें, अच्छी चीज़ है, किसी ने सोच समझ के बनाई है। ये तो चले मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम है कि वो यूज़ नहीं करने देते, लेकिन वो अच्छी चीज़ है। तो अब तो जेवियर वैसे भी उस कैरी बैग से बाहर ही आ गया, एज ऐसी हो गई है, साल का हो गया तो आ सकता है उस बैग में, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल का तो मैं नहीं यूज़ करूँगी। अच्छा जी, ये दो चीज़ें थी। इसके साथ साथ जेडन का कोई असाइनमेंट है प्लीज़ वो देख लीजिएगा, आगे दिखा देती हूँ। मैजिक कलर्स हैं बच्चों के लिए, अगर आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स होते हैं प्लीज़ उनको भी जाके देख लीजिएगा। और बस इतना ही है कि हमारे साथ बने रहें और हमें बहुत सारा प्यार दें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है ना? यस। सो अब मैं दिखाती हूँ आगे आपको जेडन का काम कि वो क्या सिखाना चाह रही है। 1 2 3 स्टार्ट। ग्रीन डे। आपके हाथ में ग्रीन क्या क्या है? एंड कलर ब्रश। वेरी गुड। एंड व्हाट यू हैव जेडन? आई हैव पेपर एंड कलर। वेरी गुड। सम कलर्स इन योर हैंड। आपके हाथ में ग्रीन क्या है? लेस एंड लेस। ओके। आपके हाथ में क्या है?
ग्रेस और सबने ग्रीन कलर की ड्रेसिंग की है। सबने क्या किया है? ग्रीन ड्रेसिंग की है। तो अपने अपने गाल दिखाओ, सब अपने गाल दिखाओ, सब इधर देखो। वेरी गुड। ये क्या है हमारे पास? ग्रीन कलर। सो ग्रीन कलर हमें कहाँ मिलता है? लीव में। कहाँ मिलता है? तो अभी थोड़ी देर बाद हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ट्री में ग्रीन कलर कैसे आता है और हम किस किस चीज में ग्रीन कलर देखते हैं। ओके ये आदमी क्या है? जेसन। आई हैव ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल, वेरी गुड। एंड व्हाट यू हैव? आपके हाथ में क्या है? ग्रीन कैमरा। और जॉय गिरने लगा। जॉय भी ग्रीन हुआ है। ओके यस। सबको बाय बाय बोल दो। बाय बाय जॉय। बाय बाय। बाय बाय। दिस इज ट्री। ट्री लीव्स ब्रांचेस। तो जी ये था बच्चों का ग्रीन डे सेलिब्रेशन करवाया, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मिलते हैं। और मेरी बेटी काफी एक्साइटेड थी कि सबको दिखाएं, तो मैंने ये दूसरा एक मेरा चैनल है संडे स्कूल का, उसमें तो मैंने ये चीजें डाली हुई, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें कि ये हमने ग्रीन डे सेलिब्रेट करवाया था। आप भी अपने घर पे अपने बच्चों को इजी तरीके से पढ़ा सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो। ओके।